मुतोल बायमसा पट्टण प्रजलु पंडुगनु प्रशांतंगा जरुपुकोवालनि गणेष उत्सवालो इलांटि डीजेलकु अनुमति लेदनि एएसपी किरण్ కారే అన్నారు. ఆయన మీడియా సమావేశంలో మాట్లాడుతూ గణేష్ నిమజ్జంలో బ్యాండ్ భజన కార్యక్రమాలు పెట్టుకోవచ్చని తెలిపారు. బాయంస పట్టణం మొత్తం సీసీటీవీ పర్యవేక్షణలో ఉందన్నారు. గణేష్ పూరేగింపు సమయంలో ఎలాంటి పుకార్లు నమోదన్నారు. सुप्रीम कोर्ट की तरफ से डीजे को बैन किया गया है. इसके अंदर पुलिस की तरफ से इस बार गणेश फेस्टिवल के टाइम पे किसी भी तरह का डीजे साउंड सिस्टम अलाउ नहीं किया जाएगा. ड्यूरिंग आरती आप माइक सिस्टम या लाउडस्पीकर यूज कर सकते हो, लेकिन गणेश प्रोसेसिंग के टाइम पे सिर्फ भजन कीर्तन और बैंड ऐसी चीजों पे अलाउ किया जाएगा. इन पे किसी भी तरह का रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन गणेश प्रोसेसिंग के दिन पे किसी भी डीजे साउंड सिस्टम या कोई साउंड बॉक्स लगा उस पर गाना लगाना ये अलाउ नहीं किया जाएगा. मैं सभी लोगों से गुजारिश करना चाहता हूँ कि सभी लोग पुलिस के साथ कोऑपरेशन करें, प्रोसेशन के दिन जल्द से जल्द गणेश का इमर्शन करें और साथ में जो पुलिस ने जो रूट डिसाइड किया उसी रूट पे आप प्रोसेशन कम्प्लीट करें. साथ में ही देखा गया है कि बड़े फ्लैग्स की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक वायर या सीसीटीवी केबल का नुकसान हो रहा है, डैमेज हो रहा है. तो मैं आप लोगों से गुजारिश करना चाहता हूँ कि ऐसे बड़े फ्लैग्स यूज ना करें और किसी भी तरह के रूमर्स पे इस गणेश फेस्टिवल के टाइम पे और आगे भी विश्वास ना रखें. आपके पास यदि कोई इश्यू है तो इन्फॉर्मेशन है तो पुलिस के पास आप इन्फॉर्मेशन दीजिए. मैं आपसे वादा करता हूँ कि पुलिस की तरफ से एक प्रॉम्प्ट से प्रॉम्प्ट एक्शन लिया जाएगा.